और बाकी ये है अपना पुराना सा घर, कि हमारा जो बचपन है वो यहीं इसी घर पे बीता हुआ है, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो नीचे से है तो यहाँ पे आना जाना कम ही होता है, तो इस वजह से चुपचाप बैठा हुआ है। अभी माँ भी चले गई घास के लिए। अब जैसे ही शादियाँ वगैरह शुरू होंगी फिर बारिश शुरू हो जाएगी। देखो ये लोग भी आ गए हैं मक्कूस पाप से। छोटो कैसा रहा वहाँ? क्या क्या मिला? भाड़ों में ऐसे कुछ भी काम हो, जैसे शादी विवाह ऐसा कुछ भी हो तो बुला देते हैं और अपनी ध्यान को कुछ ना कुछ देते हैं गिफ्ट के तौर पे। बाकी ये लोग भी ढेर सारा सामान ले आए हैं। अब मैं भी चलता हूँ ताऊ जी और के यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ ताऊ जी और के यहाँ पे, और वहाँ पे कुछ टाइम में शादी है तो वहाँ पे रंग पेंट वगैरह कुछ काम छूटा हुआ है वो कंप्लीट करना है, अब वहीं पे चलते हैं। अब इस वाले रास्ते ना बहुत कम आने को मिलता है, ये भी कभी कभार देख लेता है और पहचान नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो नीचे से है तो यहाँ पे आना जाना कम ही होता है, तो इस वजह से चुपचाप बैठा हुआ है। और बाकी ये है अपना पुराना सा घर, और ये घर लगभग बहुत साल पुराना है, क्योंकि हमारा जो बचपन है वो यहीं इसी घर पे बीता हुआ है। यहाँ पे एक कमरा यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो बहुत बड़ा था, और जो इसका चौक था वो इतना बड़ा था। यहाँ पे हम लोग ना बचपन में क्रिकेट वगैरह खेला करते थे। कुछ टाइम में इस वाले घर पे शादी है छोटे भाई की, और जो पूरे मकान पे जो कलर वगैरह है, रंग वगैरह है वो लगा दिया है, और जो जाली वगैरह, जो दरवाजे वगैरह वॉशरूम के वो छूटे हुए थे तो इन पे लगाना है, और जो ऊपर टॉप में जो छत है ना ऊपर छत पे लगाना है, तो ये है। और ये देखो आरो के पेड़ों पर कोपे भी आ चुकी हैं, मतलब मस्त करके फूल भी लग चुके हैं, कुछ टाइम में आरो वगैरह भी हो जाएंगे। और अभी मुझे इस वाले घर पे रंग लगाना था। घर पे सिर्फ माँ हो गया, ताऊ जी रहते हैं, तो अभी माँ भी चले गई घास के लिए और ताऊ जी चले गए मार्केट, तो अभी मैं भी चलता हूँ नीचे घर के लिए। अब आज मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैं भी आ गया था, पर कोई भी घर पे नहीं है। ये वाली जो कलाई है, इस कलाई पे ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब इस कलाई पे चोट लगी रूमसी में, मैं बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे थोड़ा बहुत फिसल गया। और आज छोटू भी घर पे है, छोटू जा रखा था पाप, और ये ना इसने स्कूल का काम वगैरह कुछ कंप्लीट किया नहीं था तो इस वजह से इसको स्कूल नहीं भेजा। बाकी आज ना हल्की फुल्की धूप लगी हुई है चोपता वैली में, इतनी तेज़ तो नहीं है। थोड़ा सा संतरे वगैरह बचे हुए हैं, अभी थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, तो अभी मैंने चार संतरे निकाल के इनका इनको कटिंग करके नमक वगैरह लगाने के बाद ना थोड़ा टेस्ट करते हैं। और बाकी इस साइड अभी खाना तैयार हो रहा है, जो अगेटी है अगेटी पे बाहर पे रखा हुआ है, और अंदर किचन पे जो पोचा वगैरह है वो लगा हुआ है अभी। बाकी अब इनको बनाते हैं।
तो अभी करीब दिन के 1:30 बज चुका है, अब जाके हम लोगों की खाना खाने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। अब फिलहाल पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, शादियां वगैरह शुरू होंगी फिर बारिश शुरू हो जाएगी, ये तो चलता ही रहता है। बाकी खाना वगैरह खा लेते हैं फिर मिलते हैं। अब फिलहाल खाने में है चौसा भात और हरी सब्जी है, संतरा है और पहाड़ी घी है। बाकी अब खाना वगैरह खा लेते हैं। तो करीब अभी शाम के 4 बज चुका है, मेरी तैयारी भी हो चुकी है मस्तूरा निकलने की। जस्ट अभी चाय वगैरह पी, हम निकलते हैं मस्तूरा के लिए। के लगभग 5:30 हो चुका है और मैं भी अभी दुर्गाधार की तरफ थोड़ा ऐसे ही कुछ काम से आ गया था। और हमारा जो घर है वो है इस वाली जगह से, और यहाँ से घूमते हुए मैं भी आ चुका हूँ ताला उछाड़ा हुडू होते हुए मैं आ गया दुर्गाधार पे। वैसे हमारा जो गांव है वो है दैड़ा, ये वाली जगह है और हम लोग बचपन ही से उधर ही रहते हैं, तो अब यहाँ पे आना जाना बहुत कम होता है। बाकी ऊपर ये है दुर्गाधार, मैं इस जगह पे आया था और यहाँ से पूरा ये जो नीचे गांव है यहाँ से पैदल ऊपर जाना होता है, तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि चढ़ाई भरा रास्ता है। चलता हूँ मैं भी आगे के लिए और मिलता हूँ मैं आपको मस्तूरा पे। तो अभी फ़िलहाल 6:30 तो हो गया है, अब घर पहुँचते पूरा अंधेरा हो गया है। फिलहाल मैं भी आप लोगों से विदा लेता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको एक नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ। फिलहाल के लिए वन टेक केयर, हैप्पी स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, बाय बाय।